नमस्कार, मैं हूँ राज वर्मा, माय हेल्प केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ बहुत ही कमाल के और बहुत ही ज़बरदस्त ऐप के बारे में जानकारी को लेकर, जिसका अगर आप यूज़ करते हैं तो कोई भी फाइल्स को बहुत ही आसानी से छिपा सकते हैं बिना किसी संकोच के ही, बिना किसी टेंशन के ही कि कोई उसे एक्सेस कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं उस लाजवाब ऐप के बारे में जो कि आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा। प्ले स्टोर पर अगर वो मिलेगा भी तो उसमें आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप उसे फ्री में अपना बना सकते हैं बिना किसी टेंशन का। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो उस बेहतरीन ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको अपना जो वीडियो भी देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, और जब आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको एक लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पर आपको चले जाना है। और लिंक पर जाइएगा तो आपको बस एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। मैंने अपने गूगल ड्राइव में उसे रख लिया है, तो वहाँ से आप आसानी से जाकर इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। गैलरी वॉल्ट इसका नाम है, और ये दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर इसमें पैसे खर्चा करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ से अगर करते हैं तो आपको फ्री में फुल मिल जाएगा। और बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बीच में नहीं छोड़िएगा, नहीं तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें जानने को नहीं मिलेगा, फिर कन्फ्यूजन हो सकता है। तो जैसे ही ये इंस्टॉल हो गया, तो इंस्टॉल होने के बाद आप कभी भी डन नहीं कीजिएगा। अगर डन कर दीजिएगा तो ये आपका जो एप्लीकेशन है गायब हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पहले ओपन करना है, तो मैं यहाँ इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपको यहाँ कुछ बोल रहा है कि डिलीट कीजिए, योर प्रीवियस डाटा इज फाउंड इन योर डिवाइस, वुड यू रिस्टोर देम। तो रिस्टोर कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, और उसके बाद स्टार्ट टू यूज़ करना है। यहाँ पे आपको पिन बनाना है। मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पे सिंपल सा पिन बना देता हूँ, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 5। बनाने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद ये ईमेल आईडी यहाँ पे बोल रहा है, तो ईमेल आईडी जो भी आपका ईमेल आईडी है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ और उसके बाद इसे डन कर देता हूँ। जब मैंने डन कर दिया तो यहाँ पे बोल रहा है अपडेट करने के लिए, तो कभी भी अपडेट नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका फिर प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, क्योंकि फिर आपसे पैसा वैसा मांगा जा सकता है। तो आपको स्किप करना है। स्किप करने के बाद आपका ये इंटरफेस ऐप का खुल गया। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए कमाल वाला चीज़ क्या होगा। हर ऐप में ऐसा रहता है कि वीडियो को यहाँ ले आइएगा, पिक्चर को यहाँ ले आइएगा, छिप जाएगा, एक पासवर्ड रहता है, लेकिन यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे कि मैं आपको सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर है सेक क्लोज, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर इसे यहाँ से आप ऑन कर देते हैं तो इसका बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि मान लीजिए कि आप इस एप्लीकेशन के अंदर इंटर करके कुछ वीडियोस फ़ोटोज़ देख रहे हैं और अचानक कोई आ जाता है, तो अपने मोबाइल को जल्दी से हिला दीजिए। अगर आप हिला दीजिएगा तो आपका ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, बस हिलाने भर से ही, मतलब तेज़ी से हिला देना, ऐसा नहीं कि एकदम थोड़ा सा हिलाएं, थोड़ा तेज़ी से हिला दीजिएगा तो आपका एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि अरे कोई आ रहा है, जल्दी से इसे हटाओ एप्लीकेशन को, उतना देर में लेट हो सकता है, इसीलिए अगर आप मोबाइल को हिला दीजिएगा तो आपका एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। अब इसे मैं यहाँ से फ़िलहाल इसे ऑफ ही रखता हूँ। इसके बाद इसका और सेटिंग आपको दिखाता हूँ, वाकई कमाल कमाल का इसमें सेटिंग है। थोड़ा सा नीचे जाता हूँ तो उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट। अगर आपका फिंगरप्रिंट वाला मोबाइल है तो इसे यहाँ से ऑन कर दीजिएगा तो फिंगरप्रिंट से लॉक ओपन होगा। तो ये भी एक तरह का बेहतरीन इसमें सेटिंग है। उसके बाद सबसे नीचे की तरफ और जा रहा हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाई दे रहा होगा, फेक पिन। देखिए फेक पिन का क्या चीज़ है। अगर फेक पिन पर मैं ओके करता हूँ तो उसके बाद यहाँ पे यहाँ ऑन करने के लिए नीचे बोला जा रहा है, तो इसे अगर आप ऑन कर देते हैं तब देखिए क्या कमाल होगा। आपका फेक पिन है 5555, मतलब 4×5 है। मान लीजिए कोई दोस्त आपका बोलता है अरे भाई तुम दिखाओ ना कि इस वॉल्ट में, गैलरी वॉल्ट में क्या छिपा कर रखा है, थोड़ा सा बताओ हमको। आपका अच्छा दोस्त है तब तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए कि उस समय आप अपना ओरिजिनल पिन जो मैंने बनाया 1 2 3 4 5 उसे मत डालिए, आप डाल दीजिए 5555। 3 4 बार 5 डाल दीजिएगा तो आपका ये एप्लीकेशन खुलेगा, लेकिन उसके अंदर में सारा फाइल करप्ट दिखाएगा, ऐसा लगेगा कि उसमें कुछ आपने छिपा के ही नहीं रखा है, और इससे आपके दोस्त को लगेगा कि अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से आप फेक पिन का यूज़ करके अपने दोस्तों से बच सकते हैं कि आपने कुछ भी छिपाया इसमें नहीं है। तो मैं फ़िलहाल इसे भी यहाँ से ऑफ ही रखता हूँ और इसका दिखाता हूँ अगला खासियत। यहाँ पर है अनइंस्टॉल प्रोटेक्शन। कभी कभी होता है कि आपके ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं बिना किसी परमिशन के। तो अगर इसे आप यहां से ऑन कर देते हैं तो
तो कभी भी आपके इस ऐप को कोई अनइंस्टॉल नहीं कर सकता और आपका सारा डाटा यहाँ पे सेफ रहेगा। तो मैं इसे ओके करके यहाँ पे इस सेटिंग को ऑन कर देता हूँ। अब कोई भी इस ऐप को अनइंस्टॉल नहीं कर सकता है। चलिए, ये चीज़ें हो गई। और इसके बाद सबसे अच्छा जो इसका खासियत है वो ये है कि आप इस ऐप के आइकन को ही हाइड कर सकते हैं और इसके लिए अलग से कुछ सेटिंग वेटिंग करना नहीं है। जैसे ही आप इस ऐप से बाहर निकलिएगा, आपका ये ऐप का आइकन ही गायब हो जाएगा। किसी को कुछ पता ही नहीं रहेगा कि आपने कुछ छिपा के रखा है, आपने कुछ लॉकर को यूज़ किया है। जैसे मैं यहाँ बाहर निकल जाता हूँ इस ऐप से, तो देखिए क्या कमाल होगा। मैं इस ऐप से बाहर निकलता हूँ। इस ऐप से बाहर निकलने के बाद अगर आप कहीं भी आप उस ऐप को सर्च कीजिएगा या देखिएगा, खोजिएगा, तो आपको नहीं मिलेगा। गैलरी वॉल्ट नामक कोई भी ऐप आपको इसमें नहीं मिलेगा। तब इसे कहाँ से लाया जाए? बहुत ही आसान है। इसे लाने के लिए आप अपने डायलिंग पैड में जाइएगा, जहाँ से फ़ोन लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है। पहले डबल हैज आपको यहाँ पे दबाना है। उसके बाद जो आपने पिन बनाया था उसे यहाँ पे डाल देना। मैंने 1 2 3 4 5 दबाया था, तो मैं उसी को यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर आप कुछ और बनाएंगे तो उसे डाल के आप यहाँ से चाहे सिम 1 से कॉल कीजिए, चाहे सिम 2 से कॉल कीजिए, जिससे करना है कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो लॉकर है वो ऑटोमेटिक यहाँ से ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं आपको जिस तरह से इसका यूज़ करना है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आखिर इसमें कैसे किसी फाइल को छिपाया जाएगा। तो बड़ा ही आसान है। नीचे में जो प्लस का साइन दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इमेज, वीडियोज, ऑडियो जो यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप में जाके कुछ 1-2 फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद माई पिक्चर पर जाना है और बस आपका जो फाइल है इनक्रिप्ट होकर मूव हो गया आपके इस गैलरी वॉल्ट में। तो यहाँ पे डन कर दीजिए। उसके बाद हाइड नाउ पे बोल रहा है क्लिक करने, तो आप कर दीजिए हाइड नाउ। और उसके बाद ये ट्राई करने के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया ये ऑप्शन आ रहा है, तो फ़िलहाल बैक हो जाइए। और ये आपका फ़ोटो यहाँ पे चला आया है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से इस वॉल्ट का यूज़ कीजिए। कोई आपके सीक्रेट फाइल्स को नहीं देख पाएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ऐप है, बिल्कुल पैसा वाला ऐप है, लेकिन मैं फ्री में दे रहा हूँ। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपको दिख रहा होगा, क्लिक कीजिए, एप्लीकेशन को यूज़ कीजिए। बहुत ही मज़ा आएगा, एकदम सीक्रेट है, एकदम सेफ है, नो प्रॉब्लम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की टेक वीडियोज़, आपको एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर लगातार मिलते रहेगा। और एक काफ़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेकर इस चैनल पर आता हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।